एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म फॉर ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए बनाया हुआ था, सेम उसी तरीके से ये वीडियो है जो कम्प्लीट शॉर्टकट्स पर डिपेंड वीडियो है। और ये शॉर्टकट्स वो हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार कहूंगा आप लोगों को, ये एग्जाम देने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लेंगे, बिकॉज ये वीडियो आप देख करके एग्जाम देने जाते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज इस वीडियो के एंडिंग में मैंने इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन वगैरह दिया हुआ है, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तथा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें, बिकॉज इसे आप जितना ही शेयर करोगे उतने ही बच्चों का इससे फायदा हो जाएगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज फॉर ट्रिपल सी एग्जाम। ये शॉर्टकट्स ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपके बहुत सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे, आप ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करके आएंगे, इसलिए इसको जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है देखिए कंट्रोल प्लस एन, न्यू फाइल के लिए कंट्रोल प्लस एन यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन क्रिएटिंग न्यू फोल्डर, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है हमें तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस ओ ओपन फाइल, फाइल को यहां से हम ओपन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस एस से हम फाइल को सेव करते हैं। ये सब यूनिवर्सल शॉर्टकट्स हैं, जहां आप हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट का शॉर्टकट है, यदि कोई भी फाइल आपको प्रिंट करनी है तो कंट्रोल प्लस पी करते हैं। फाइल का प्रीव्यू देखना है, डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखना है तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस जेड अंडू लास्ट एक्शन को आपको अंडू करना है तो कंट्रोल प्लस जेड आप यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस वाई रिड्यूस लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन को आप रिड्यू करना चाहते हैं, जो अंडू करके आपने किया हुआ उसी को रिड्यू करके आप लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वाई कर सकते हैं आप। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वाई रिपीट एन एक्शन, एक्शन को रिपीट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल प्लस वाई करना होगा आपको। कंट्रोल प्लस एक्स कट अ सेलेक्टेड आइटम, जो आइटम आपने सेलेक्ट किया उसे आप कट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी कॉपी अ सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस बी पेस्ट कराने के लिए, आपने चाहे कट किया हो कॉपी किया हो उसे आप क्लिपबोर्ड की मदद से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब शॉर्टकट जो है यूनिवर्सल शॉर्टकट हर जगह यूज होते हैं। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड करने के लिए, फाइंड का डायलॉग बॉक्स लाने के लिए कंट्रोल प्लस एफ किया जाता है। कंट्रोल प्लस जी से गो टू पेज, पेज पर जाना चाहते हैं हम तो गो टू कर सकते हैं कंट्रोल जी करके। कंट्रोल प्लस ए से हम सेलेक्ट ऑल, पूरी फाइल को अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक साथ सबको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस सेव एज अ कॉपी और अदर लोकेशन, हम सेव एज करते हैं अदर लोकेशन में फाइल को सेव करने के लिए तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट होगा। कंट्रोल प्लस के से हम हाइपरलिंक प्रेजेंट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एच से हम फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स लाएंगे, यहां से हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे जो ये शॉर्टकट्स मैं दे रहा हूं आप लोगों को, आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उससे आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल प्लस एल अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट अलाइन सेंटर अलाइन एंड राइट अलाइन होता है। देखिए अलाइन दो तरीके से होता है, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल में आपका लेफ्ट सेंटर और राइट होता है और वर्टिकल में आपका टॉप मिडिल एंड बॉटम होता है। तो लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस एल, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर। हमें सेलेक्टेड टेक्स्ट या वर्ड को बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी होता है। इटैलिक का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई होता है। कंट्रोल यू करके हम अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू लिब्रे में हम कोई भी एप्लीकेशन को एग्जिट करने के लिए, हम लिब्रे एप्लीकेशन को एग्जिट करने के लिए हम कंट्रोल क्यू यूज करते हैं। एग्जिट मतलब होता है निकास, बाहर आने के लिए हम कंट्रोल क्यू करते हैं। अल्ट प्लस एफ फोर
कोई भी एप्लीकेशन विंडो बंद करने के लिए आप अल्ट प्लस F4, जैसे नोट पैड, पेंट, वर्ड पैड, इन सबको बंद करने के लिए आप अल्ट प्लस F4 करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J, फुल स्क्रीन मोड। लिब्रे ऑफिस में आपको फुल स्क्रीन मोड में ले जाना है या उसे नॉर्मल मोड में करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस J करते हैं। लाइन के लास्ट में जाना है तो एंड प्रेस करते हैं, लाइन के स्टार्टिंग में रहना है तो होम प्रेस करते हैं, एंड प्लस शिफ्ट करते हैं तो एंड में जाकर के हम गो टू सेलेक्ट एंड एंड लाइन, मतलब पूरी लाइन को सेलेक्ट करके एंड में हम पहुंच जाते हैं। होम प्लस शिफ्ट करेंगे तो स्टार्टिंग बिगनिंग से पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी आपकी। कंट्रोल प्लस होम गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब कहने का है डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाएंगे आप। कंट्रोल प्लस एंड गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के एंड में आप पहुंच जाएंगे। F7 प्रेस करके आप स्पेलिंग चेकिंग कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F7 से ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग हो जाती है लिब्रे में। थीसर्स मैंने इसमें डाल दिया, बट थीसर्स के लिए आप कंट्रोल प्लस F7 प्रेस करेंगे तो ओनली थीसर्स आ जाएगा आपका। कंट्रोल प्लस F2 से हम इंसर्ट फील्ड करते हैं। नेक्स्ट देखें, यदि आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो उसको आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। शिफ्ट प्लस F4 सेलेक्ट नेक्स्ट फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम पे जाना है आपको, सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F12 से हम ऑप्शन लिब्रे यूजर डाटा, ऑप्शन लिब्रे यूजर डाटा ऑप्शन को हम यहां से शॉर्टकट है अल्ट प्लस F12। शिफ्ट प्लस F12 होता है बुलेट्स को ऑन करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 करेंगे तो बुलेट एंड नंबरिंग्स को हम ऑफ कर सकते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग आपको मालूम होगा, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 कर लेते हैं तो बुलेट एंड नंबरिंग ऑफ हो जाएगा, और शिफ्ट प्लस F12 करते हैं तो बुलेट्स ऑन हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी इंसर्ट कमेंट इन लिब्रे कैल्क एंड राइटर। लिब्रे राइटर एंड कैल्क में अगर हमें कमेंट को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल अल्ट प्लस सी। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो बार बार आपके CCC एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। कंट्रोल प्लस F5 शो एंड हाइड साइड बार इन लिब्रे ऑफ राइटर कैल्क इम्प्रेस, सब में आपका, कहने का मतलब लिब्रे राइटर, लिब्रे कैल्क एंड इम्प्रेस में सब में साइड बार को ऑप्शन प्रेजेंट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F5। F11 स्टाइल इन लिब्रे राइटर कैल्क एंड इम्प्रेस, स्टाइल्स को एक्टिवेट करना है, स्टाइल्स लाना है आपको, तो F11 करेंगे आप। F5 नेविगेटर इन लिब्रे ऑफिस राइटर एंड कैल्क, नेविगेटर ऑप्शन को आपको ओपन करना है तो F5 प्रेस करेंगे आप राइटर और कैल्क में, और अगर आपको इम्प्रेस में नेविगेटर को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 आपको करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 आपको करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R रूलर इन लिब्रे राइटर एंड इम्प्रेस, इम्प्रेस और राइटर में आपको रूलर प्रेजेंट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस R शॉर्टकट होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 डेटा सोर्सेज इन लिब्रे राइटर एंड कैल्क, डेटा सोर्सेज को आपको ओपन करना है, लाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 करते हैं। पेज ब्रेक करना है अगर आपको लिब्रे राइटर एंड कैल्क में तो आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे। F2 करके हम सेल एडिट मोड लिब्रे कैल्क, देखिए F2 से फार्मूला भी आता है कैल्क में, और F2 से हम सेल को एडिट भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन इंसर्ट डेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, कैल्क में डेट लाना है तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, अगर आपको टाइम लिब्रे कैल्क में लाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, अगर आपको क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को डायरेक्टली क्लियर करना है आपको तो आप कंट्रोल प्लस M यूज करेंगे लिब्रे राइटर एंड कैल्क में। क्लियर फॉर्मेटिंग लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, यदि इंप्रेस में आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस W से क्लोज एक्टिव विंडो, एक्टिव विंडो को क्लोज करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल प्लस F12 करके इंसर्ट टेबल इन लिब्रे राइटर, लिब्रे राइटर में अगर हमें इंसर्ट टेबल करना है तो कंट्रोल प्लस F12 करते हैं। नई स्लाइड लानी है अगर हमें इंप्रेस में तो कंट्रोल प्लस M करते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई करके हम एक्सटेंशन मैनेजर इन लिब्रे कैल्क, लिब्रे कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर हमें ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें,
प्रत्येक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट रख लें, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन के दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, तो इसे आप मिस ना करें, कंप्लीट देखें आप। हम नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि लास्ट में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन बताऊंगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। notepad.txt, एमएस पेंट और पेंट .bmp, wordpad.rtf, libreoffice.odf, librewriter.odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, librecalc.ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, libreofficeimpress.odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docx, एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xlsx, एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है .pptx, एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन होता है .accdb, HTML का एक्सटेंशन होता है .stm और .html। ये इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, तो आपने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स देखे एंड एक्सटेंशंस देखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप रिपीट करके एक से दो बार देख लें, स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लें, जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।